आज अनु घर में नहीं है, यही मौका है कुछ मीठा हो जाए। अनु भी कमाल है, पेस्ट्रीज लाकर रखती है घर में, लेकिन खाने जाओ तो खाने देती नहीं। अभी पेस्ट्रीज 3 दिन से फ्रिज में सड़ रही हैं। लेकिन आज मैं इन पेस्ट्रीज का उधार कर दूंगा। सही, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आ गई हलक की तरबान। या बेबी व्हाट्स अप? विभू क्या कर रहे हैं आप? बेबी मैं वो अपना लॉन में पुशअप कर रहा था। 102 103 पुशअप मार रहे? पुशअप मार रहे हो या फिर फ्रिज से पेस्ट्री मारने की फिराक में हो? नहीं, मैं लॉन में हूँ, पुशअप मार रहा हूँ। अच्छा जी, तो फिर ये फ्रिज किचन में से लॉन में कब शिफ्ट हो गया? कहाँ तुम कहाँ है? I can see you. कहाँ? मैं जहाँ कहीं भी हूँ, I am watching you. मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये सब छोड़ो, पहले चुपचाप ये जो फ्रिज से पेस्ट्री निकाली है ना, ये फ्रिज में जाकर रख दो और फ्रिज का दरवाजा भी बंद कर दो। I can see you. मुझे पता है तुम कहाँ हो। I can see you but I can't see you. कहाँ हो तुम? हाँ, मैं एक्चुअली ग्रूमिंग क्लासेस से घर की तरफ आ रही हूँ, रिक्शे में बैठी हूँ। खाओ मेरी कसम। अरे बाबा तुम्हारी कसम। लेकिन तुम ये सब कैसे देख रही हो फिर? हाँ कैसे देख रही हो? You're making a fool of me, right? बताती हूँ। सबसे पहले तुम जाकर ये पेस्ट्री फ्रिज में रखो और याद से दरवाजा बंद करो फ्रिज का। That's like my good boy. अच्छा बताओ तुम मुझे कैसे देख सकती हो? How can you see me? Tell me. My dear husband, actually मैं चाहती हूँ कि तुम जो कुछ भी करो मैं देख सकूँ, इसलिए मैंने किचन में एक CCTV फिट कर रखा है। What? What is this? जी हाँ, और उसका कनेक्शन मैंने अपने मोबाइल पर दे रखा है ताकि मैं तुम्हारी सारी हरकतों पे नजर रख सकूँ। हनी ये क्या हरकत है? How can you do this to me? मेरी कोई प्राइवेसी नहीं लाइफ में। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, यू कैन सी मी। आई नॉट एक्सेप्ट दिस लाइंग डाउन, आई नॉट टेक इट। हेलो अनु, ये क्या हरकत है यार, फॉर गॉड सेक्स। ये हरकत नहीं है विभू, ये मोहब्बत है। अच्छा अभी तुमने जो मुझसे झूठ बोला है ना कि तुम लॉन में एक्सरसाइज कर रहे थे, अब जाकर सच में लॉन में एक्सरसाइज करो, समझे? And listen, I'm watching you. चलिए भैया मॉडर्न कॉलोनी की तरफ ले लीजिए। अरे हेल, सीसीटीवी कैमरा। जिस मनुष्य आदमी ने ये कैमरा बनाया ना, सीसीटीवी, अगर मुझे मिल जाए तो मैं गला घोट दूं उसका। हमारी क्या प्राइवेसी है यार, हम मर्दों की बीवी हमारा जीना दुश्वार कर रही है। दिस इज नॉट राइट। एक्चुअली ये सीसीटीवी बुरा नहीं है, जैसे अनु मुझे देख रही है वैसे मैं भी तो भाभी जी को देख सकता हूं। जब भाभी जी के दीदार करने का दिल किया, मोबाइल स्वाइप किया और दीदार कर लिए, रेड अभी ये मजा आ जाएगा। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? इसने कैमरा शैमरा तो लगा रखे यहाँ पे।
बोलेगी सोफे के मैं पैर करके बैठे रहते ओके ओके चीटर ओके लड्डू लड्डू इधर आओ लड्डू भाभी माँ लड्डू तुम्हारे मैथमेट्रिक चीटर का फोन था भाभी माँ वो मैथमेटिक्स टीचर होता है सही पकड़े है वो बोल रहे थे कि तुम गणित में बहुत कमजोर हो तुमको टेंशन लेना पड़ेगा भाभी माँ वो ट्यूशन होता है हाँ सही पकड़े है लेना पड़ेगा हाँ भाभी माँ भाभी जी आप लाख ट्यूशन लगा लीजिए लेकिन इस बच्चे का कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये बैल का छोटा भाई जूनियर बैल है ये इवेंचुअली बैठेगा कच्चे बनियान के खोखे पर ही भगवती जी का ऐसा बोल रहे हैं हाँ बच्चे के बारे में बोलने दीजिए भाभी माँ वैसे भी इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं इसलिए अपने फ्रस्ट्रेशन दूसरों भी निकालते हैं लड्डू भैया को ऐसे बोलते हो भैया तुम्हारी उम्र के हाँ भैया तुमसे बड़े हैं ना चलो भैया को सारी बोलो बोलो आई एम सॉरी भैया भाभी जी बस बस कितनी बार बोलेंगी भैया 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 मेरे कान पक गया सुन के भैया भैया मर गया भैया व्हाट भैया सॉरी भैया अच्छा जाके पढ़ाई करो अगणित का पढ़ाई करो बड़ा शरारती बच्चा है और भाभी जी कैसी हैं आप हम ठीक है अभी हमको काम करना है खाना बनाना है अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं का बोले मेरा मतलब भाभी जी कुछ देर रुक जाइए ना कुछ देर इका है भाभी जी ये फूलों का गुलदस्ता है कागज के फूल है हमको तो लगा कि असली फूल है जिसमें से खुशबू आता है सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में तालमेल हो और खुशबू आ सकती है अगर कागज में मट्टी का तेल हो कहे के आधा पास है आप बीमा एजेंट हैं आप तो गोबर पर चांदी का वर्क लगाकर उसे कलाकंद बताकर बेचते हैं आप देखिए बीमा एजेंट्स के ऊपर आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं दिस इज नॉट राइट ये बाय द वे क्यों पका रहे थे आप मेरी भोली भाली बीवी को ये हमको पकाना ही रहे थे ये तो हमारे लिए फूल लेकर आए हैं फूल लेके आए हैं इतने पैसे आपके पास कहां से आ गए जो बड़े धन्ना सेठ बन रहे हैं और गिफ्ट बांटते फिर रहे हैं एक्सक्यूज मी मिस्टर तिवारी मैं धन्ना सेठ हूं मेरे पास इतने एसेट्स हैं कि मैं आपको खड़े खड़े आपके कच्चे बनियान के खोखे के समेत खरीद सकता हूं आपके पास एसेट्स क्या आपके पास तो कैसेट्स भी नहीं है जाइए ले जाइए अपना ये धूल का फूल पता नहीं कहां से चुरा के लेके आए हैं मर गया अगर ये गुलदस्ता नहीं बेचा तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा तिवारी जी मैं ये चोरी करके नहीं लाया हूं बल्कि ये अनु ने खास तौर से हमारे लिए भेजा है नहीं ये फूल अनु ने भाभी जी के लिए भेजे हैं भाभी जी ये फूल आपके लिए अरे यार थैंक यू हम इसे अपने बेडरूम में रखेंगे नहीं आप इसे बेडरूम में नहीं रखेंगी ये बेडरूम में रखने वाला नहीं है ये 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 यहाँ रखेगी ये लिविंग रूम में यहाँ रखेगा काहे हमको दी है ना हम रखेंगे इसको बेडरूम में कहाँ नहीं भाभी जी नहीं बेडरूम में नहीं लगाइए इसको बेडरूम में लगाने वाली चीज नहीं है यहाँ लगाइए देखिए आई टेल यू ये वहां लगाता हूँ बड़ी अच्छी लगेगी एक मिनट अच्छा लग रहा है वहां पर भी ठीक बा अब हम भाभी जी को लाइव देख पाएंगे भाभी जी देखिए कैसा लग रहा है हाँ ठीक बा अच्छा लग रहा है वहां पे चलता मेरा काम हो गया तो जाइए ना किसने रोका है आपको अनीता जी को थैंक यू बोलिएगा बहुत बड़ी चिरांद है ये अच्छा लग रहा है ना खाना नहीं खिलाओगी पगली खिला रहे लेकिन पहले बनाएंगे फिर खिलाएंगे पहले तो अभी आलू उबालने भी है अभी तक वो उबाले ना ही भाभी जी का गुलदस्ता
भाभी जी तरस गए आपके दीदार के लिए, और मत तड़पाइए, अब तो चली आइए। हम तो भाभी जी का चेहरा देखने के लिए बैठे, ये घटिया लौंडे कहां से आ गया वहां पे? काम धंधा कुछ है नहीं, दो कौड़ी के नल्ले घूमते रहते हैं यहां वहां, कभी इसके घर कभी उसके घर। हाय भाभी जी आ गई। भाभी जी क्या बात है, क्या बात है। और भाभी जी के हाथ में समोसे, ओ भाभी जी के हाथ के समोसे तो कमाल। ये भाभी जी इन नल्लों को समोसे खिला रही है? भाभी जी भी एक नंबर की बौड़म है, ऐसे फालतू फंड के लोगों को ना पालने का शौक है इन्हें। और खाओ हैजा होगा, हैजा दोनों को। दिल तो कर रहा है कि भैया के कूद दोनों को। भाभी जी बहुत ज्यादा क्लोज आ गई कैमरे के, कहीं देख ना लें। मैंने कहा पलट, अरे तेरा ध्यान किधर है, पलट तो सही। आए पलटी पलटी पलटी। कहां चलेगी भाभी जी? अरे वह ये तिवारी अपने घर में चोरों की तरह घुस रहा है। ये किसकी फोटो ये बार बार चूम रहा है मोबाइल में? ये साफ दिख नहीं रहा, ये काश कि इसमें जूम होता ना तो मजा आ गया होता। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि कोई ना कोई औरत तो है जिसकी ये फोटो चूम रहा है। हाय भाभी जी आ गई। लेकिन भाभी जी को देख के इसने फोन छुपा क्यों लिया अपना? ये बात कंफर्म है कि इस आदमी का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, और ये आदमी कंबल में छुप के मुर्गी तोड़ रहा है। ओह माय गॉड, भाभी जी को पैर में चोट लग गई। भाभी जी को चोट लग गई। बेबो, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? अब एक्चुअली वो अपना ये प्रेम चौधरी ने बुलाया है। क्यों बुलाया प्रेम चौधरी ने? वैसे ही टाइम पास करने के लिए। सर की आओ गपशप मारेंगे। ये तुम्हारा प्रेम चौधरी सिर्फ तुम्हें टाइम पास करने के लिए बुलाता है? हाँ, कभी कोई काम देने के लिए नहीं बुला सकता? अरे तुम तो जानती हो कि प्रेम चौधरी के काले धंधे हैं यार, he's a smuggler। और मुझे उसने कई बार ऑफर किया, मुझसे कहा कि विभूति, I mean विभूति, you can join me, but I'm sorry, I'm really really sorry। मैं बेरोजगार मर जाऊंगा लेकिन कभी काला धंधा नहीं करूंगा, never। Of course, of course। तुम्हारे बारे में ये कहना भी गलत नहीं होगा विभू कि तुम सारी जिंदगी बेरोजगार रहोगे लेकिन कोई काम नहीं करोगे। यार अनु तुम भी ना एक ही राग अलापती हो, हमेशा एक ही राग अलापती हो। हाँ, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती मैं एक ही राग अलापूंगी, एक ही राग अलापूंगी। काम डाम काम डाम, टेक अ डीप ब्रेथ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। हाँ बेबो, अरे ये वो भाग गया मुझे चकमा देकर। प्रेम चौधरी से मिलने गया है
अपनी किसी प्रेमिका से मिलने गए। हाँ, कितना जोर से लगा, हमको अभी भी दर्द हो रहा है। भाभी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ भरपति जी, आप इतने घबराए हुए कहाँ हैं? भाभी जी, आपको ठोकर लगी थी, आपको चोट तो नहीं आई? हाँ अभी ठीक है, दर्द हो रहा है, लेकिन हटिया, आपको कैसे पता चला कि हमको चोट लगा है? सीसीटीवी। कौन सा टीवी? टेलीपैथी। टेलीपैथी कहाँ होता है? भाभी जी, इट्स नॉट टेलीपैथी, इट्स टेलीपैथी। सही पकड़े हैं। और कहाँ होता है? एक्चुअली जब 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 कोई किसी से प्यार करता है ना भाभी जी, तो उसको अपने आप में और अपने आप को उसमें महसूस करता है, उसका दर्द अपने दर्द में और अपना दर्द उसके दर्द में घोल लेता है। इट्स बिकम अ पेनफुल फ्यूजन ऑफ द पेन, सो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस भाभी जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप कहा बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आया। Really? भाभी जी, हम अपनी जान नहीं दे देंगे, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अक्का बोले? Anyway, ये पूछ रहा था कि आपको चोट लगी है, क्या मरहम लगा दूं? नहीं नहीं, आप काहे तकलीफ ले रहे हैं, लड्डू के भैया मरहम लगा देंगे। लड्डू के भैया मरहम लगाने वाली पार्टी नहीं है भाभी जी, वो तो जख्म देने वाली पार्टी है। ऐसा काहे बोल रहे भरभूति जी आप? I'm sorry भाभी जी, लेकिन मुझे आपके दर्द का एहसास है। आप भरभूति जी, हमको कभी कभी ऐसा लगता है आपका और हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता रहा है। क्या रिश्ता बताइए भाभी जी, प्लीज मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मेरा क्या रिश्ता है पिछले जन्म का। आई वांट टू नो आपका और हमारा। प्लीज स्पीक अप, आई वांट टू हियर, मैं सुनना चाहता हूँ कि आपका मेरा पिछले जन्म का क्या रिश्ता है। भरभूति जी, आपका और हमारा। यस, टेल मी, आई वांट टू नो, प्लीज टेल मी। आपका और हमारा। यस यस, आई वांट टू नो। माँ बेटी का रिश्ता रहा होगा। माँ ही एक दर्द समझ सकती है बेटी का। और भरभूति जी, आ गए आवारा गर्दी करके। ये कैसे बेतुके सवाल कर रहे हैं आप हमसे? आप हमारी बीवी हैं क्या? हम आपकी बीवी के बिहाफ पे पूछ रहा हूं आपसे ये सवाल। बीवी के बिहाफ पे पूछ रहे हैं, तो क्या उसके वकील हैं? समझ लीजिए कि मैं उनका वकील हूं। ये मुंह और मसूर की दाल, चपरासी तक बनने के काबिल नहीं है आप। बकवास मत कीजिए आप, समझे ना? बकवास तो आप कर रहे हैं, खुद आवारा गर्दी करते हैं, हमें कह रहे हैं कि हम आवारा गर्दी करके आ रहे हैं। All right, fine. मैं आवारा गर्दी करता हूं, लेकिन आज तक मैंने भाभी जी के अलावा, मतलब आपकी भाभी जी के अलावा किसी औरत को नजर उठा के नहीं देखा। तो आप कहना चाहते हैं कि हम पराई औरतों को ताकते हैं? जी, आप उन्हें ताकते हैं। आपने उनकी फोटो अपने मोबाइल में रख रखी है, और मौका देखकर अकेलेपन में आप उस फोटो को देखते हैं, चूमते हैं और चाटते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। सच जानना चाहते हैं ना आप? मोबाइल दिखाइए। अरे क्यों दिखाया हम? मोबाइल दिखाइए। अरे मोबाइल दिखाइए। भाभी जी क्यों कर रहे हैं आप? भाभी जी, ये चिल्ला क्यों रहे हैं आप? भाभी जी, चुप रहिए आप। क्या हो गया? देखिए भाभी जी, क्या देखिए, वो ककड़ी फाड़ दी थी मोबाइल निकालने के चक्कर में हमारी बंदी। Stop behaving like a child. Vipu, you stop behaving like a child. तुमने उनकी जेब फाड़ दी जैसे दो छोटे बच्चे लड़ रहे। यू डोंट नो अनु, ये आदमी सीधी साधी भाभी को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्यों लगा ये? ये गैर औरतों की फोटो अपने मोबाइल पे रखता है और मौका देखकर उनको चूमता उमता भी है। नहीं भाभी जी, ये झूठ बोल रहे हैं। हमने भाभी जी, हमने कभी आपके अलावा
मतलब अंगूरी के अलावा किसी को आंख उठाकर देखा तक नहीं है। डोंट लाई, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तुमने अपनी आंखों से देखा? ये क्या देखा है तुमने अपनी आंखों से, बता। वो सीसी सी। अबे क्या कर रहा है विभूति, साले तो खुद ही कुल्हाड़ी में पैर मार रहा है। बेटा अगर सीसीटीवी वाली बात तूने यहाँ उगल दी तो सारा रायता फैल जाएगा, फिर तू कर लेना भाभी जी के दूरदर्शन। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, बताओ। जाने दीजिए ना भाभी जी, ये तो ऐसे ही बकते रहते, एक नंबर के झूठे हैं ये। अरे आप चुप रहिए ना, मैं कर रही हूँ ना बात विभू से। विभू कहाँ देखा तुमने और क्या देखा? मैंने गेस किया कि ये आदमी ऐसा कर सकता है, he is capable of doing something like this. देखा भाभी जी, हमने कहा था ना ये हमसे जलते हैं, ये यूं ही हमारे खिलाफ अपने दिमाग में ख्याली बिरयानी पकाते फिरते हैं। देखो विभू, ये बात बिल्कुल गलत है। तुम हर वक्त तिवारी जी के पीछे पड़े रहते हो। तुम अपनी हरकतें करना बंद कर दो वरना मैं यहाँ सड़क पर तमाशा नहीं करना चाहती, बट आई वॉन्ट टू टेल यू I'm watching you. भाभी जी कहना चाह रही हैं कि ज्यादा बदतमीजी मत कीजिए वरना जूते मार के घर से बाहर निकाल देंगी, समझे? कच्चा बनियान कहीं का।